नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच 11 बुंदा के सहमति। डॉक्टर सी के राउत आब मूल धारक राजनीति में। असंतुष्टि सब जन अभिमत मार्फत संबोधन कर सरकार आ गठबंधन सहमत। राउतक नेतृत्व क्षमता के प्रधानमंत्री से प्रशंसा। राजपा देश में अस्थिरता आना खोज रहल प्रधानमंत्री के आरोप। विप्लव समूह के लुटेरा समूहक संज्ञा। अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़बाक राजपा के चेतावनी। रेशम चौधरी के जन्म कैद पर आक्रोश। आई विभिन्न कार्यक्रम का नारी दिवस मनाओल गया। महिला सुरक्षा के लिए जनकपुर धाम में सेहो एप्स आनबाक तैयारी। अब समाचार विस्तार में। सरकार आ डॉक्टर सी के राउत नेतृत्व के स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच 11 बंदा के सहमति भेल अछि। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के उपस्थिति में गृह मंत्री राम बहादुर थापा आ राउत आई काठमांडू में इस सहमति पत्र में हस्ताक्षर कैलन अछि। सहमति में गठबंधन देशक अखंडता के स्वीकार कयने अछि। तहिना सरकार गठबंधनक नेता कार्यकर्ता ऊपर लगाओल गेल मुद्दा फिरता लेबाक आ जेल में रहल नेता कार्यकर्ता के रिहा करबाक सहमति भेल अछि। तहिना गठबंधन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र सहितक नेपाल अविभाज्य राज्य रहल स्वीकार कयलक अछि। मुदा तराई आ मधेश में देखल गेल असंतुष्टि के जन अभिमत में आधारित लोकतांत्रिक विधि से समाधान करबाक सेहो सहमति पत्र में लिखल अछि। एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल एक स्वतंत्र स्वाधीन सार्वभौम सत्ता संपन्न अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्र को स्वतंत्रता स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता र अखंडता को रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपाली को कर्तव्य हो। हामी आफ्ना राजनीतिक सामाजिक आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ। तीन, लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्छन् तर तिनीहरूप्रति राज्य राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ। त्यस्ता मतभेदहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ। चार, सामाजिक न्याय समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो। हामी तराई मधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई मधेस लगायत समग्र देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ। सहमति अनुसार हिरासत में मृत्यु भेल स्वतंत्र मधेश गठबंधन के बांके जिला संयोजक राम मनोहर यादव के परिवार के राज्य के दिशा उचित क्षतिपूर्ति आ परिवारक एक गोटे सदस्य के रोजगारी देवाक सेहो लिखल अछि। स्वतंत्र मधेश गठबंधन के आंदोलन के क्रम में घायल भेल सभक इलाजक संपूर्ण जिम्मा सरकार लेबाक सेहो सहमति भेल छै। सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच 11 बंदा के सहमति भेल अछि। सहमति में देश के अखंडता कायम राखल से ल क नेता कार्यकर्ता के रिहा धरक बात कयल गेल अछि। की छै सहमति में। नेपाल सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच 11 बंदा के सहमति भेल अछि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल राजनीतिक सहमति घोषणा संबोधन कार्यक्रम में सरकारक दिस गृह मंत्री राम बहादुर थापा आ गठबंधनक दिस डॉक्टर सी के राउत हस्ताक्षर कयने अछि। की छै सहमति में। बुंदा नंबर एक, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल एक स्वतंत्र स्वाधीन सार्वभौम सत्ता संपन्न अविभाज्य राष्ट्र अछि। नेपाल राष्ट्रक स्वतंत्रता स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता आ अखंडता के रक्षा करब प्रत्येक नेपाली के कर्तव्य अछि। बुंदा नंबर दू, हम सब अपन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक लगायत उद्देश्य सब प्राप्ति के लेल शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक बाट से आगा बढ़ पड़त। ई मान्यता में दृढ़ छी। नेपालक संविधान में प्रयुक्त
जनता में निहित सार्वभौम अधिकारक प्रयोग करैत तराई मधेश लगैत देशक कतेको स्थान में रहल असंतुष्टि सबके जन अभिमत में आधारित लोकतांत्रिक विधि से समाधान कर सहमत भेल छी। बुंदा नंबर 3, लोकतंत्र में मतभेद सब भ सकय मुदा वही सब प्रति राज्य राजनीतिक दल आ आम नागरिक सहिष्णु होब पड़त आ एहन मतभेद सबक समाधान से हो लोकतांत्रिक विधि से कर पड़त ई मान्यता में दृढ़ छी। बुंदा नंबर 4, सामाजिक न्याय समानता आ सद्भाव हमर सबक सजिया उद्देश्य अछि। हम सब तराई मधेश लगात समग्र राष्ट्रक जनता के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाबा आ तराई मधेश लगात समग्र देशक विकास के द्रुत गति में आगा बढ़ावा प्रतिबद्ध छी। तहिना क संविधान प्रदत्त नेपाली जनता के सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता आ स्वशासनक अधिकार के आत्मसात कर आ तराई मधेश लगात समग्र देश में सुशासन कायम करैत समानता आ समाजवाद तरफ अग्रसर होब प्रतिबद्ध छी। बुंदा नंबर 5, स्वतंत्र मधेश गठबंधनक नेता तथा कार्यकर्ता सब ऊपर लगाओल गेल राज्य विरोधक अपराध लगात संपूर्ण राजनीतिक मुद्दा सब फिरता लेल जात आ हिरासत वा कारागार में रहल संपूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता सबके निशर्त रिहा कैल जात। बुंदा नंबर 6, स्वतंत्र मधेश गठबंधन आ एकर नेता आ कार्यकर्ता द्वारा ऐसा पहिने तैयार कैल गेल आ पहिने प्रचार कैल गेल किताब पर्चा पंपलेट घोषणा पत्र गीत नक्शा नारा झंडा ऑनलाइन सामग्री आदि के भविष्य में कार्रवाई के विषय नहि बनाओल जात। अगला दिन में संविधानक व्यवस्था आ असहमति प्रतिकूल के प्रचार सामग्री सब उत्पादन आ वितरण नहि कैल जात। बुंदा नंबर 7, स्वतंत्र मधेश गठबंधनक नेता कार्यकर्ता आ समर्थक सबके नेपालक संविधान प्रदत्त अधिकारक प्रयोग करैत नेपाल भीतर बसोबास कर जीविकोपार्जन कर संघ संस्था व पार्टी खोल व संगठित भ कऽ मूलधारक राजनीति कर कोनो किसिमक अवरोध खड़ा नहि कैल जात आ एहन क्रियाकलाप कैला पर राज्य द्वारा कोनो प्रकारक कार्यवाही नहि कैल जात। बुंदा नंबर 8, 2075 साल भादो 15 गते नेपाल प्रहरी के हिरासत में मृत्यु भेल स्वतंत्र मधेश गठबंधनक बांके जिला संयोजक राम मनोहर यादव के परिवार के राज्य के दिस से उचित क्षतिपूर्ति के संगे परिवारक एक सदस्य के रोजगारी के व्यवस्था कैल जात। बुंदा नंबर 9, स्वतंत्र मधेश गठबंधनक आयोजना में संचालित आंदोलन के क्रम में घायल भेल सबक इलाजक जिम्मा सरकार लेत। बुंदा नंबर 10, स्वतंत्र मधेश गठबंधनक नेता तथा कार्यकर्ता सब में रहल ज्ञान लुढ़ ढंग आ सामर्थ्य के तराई मधेश लगात समग्र देशक जनता आ राष्ट्रक शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक विकास आ खुशहाली के लेल नया ऊंचाई के साथ सदुपयोग कर आ सरकारक दिस स्वतंत्र मधेश गठबंधन प्रति लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ति के रूप में व्यवहार कर सहमत भेल छी। बुंदा नंबर 11, ई सहमति आइए के मिति से लागू हैत। एना का सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधनक संयोजक डॉक्टर सी के राउत बीच 11 बुंदा के सहमति भेल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक संयोजक डॉक्टर सी के राउत आब देश के अखंडता कायम राखैत मूल राजनीति में आयल अछि। ओ सब संग सहकार्य कऽ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में लगबाक बतौलनि अछि। तहिना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राउतक निर्णय के स्वागत करैत धन्यवाद सेहो देलनि अछि। रिपोर्ट। 2069 साल जेठ 8 गते से अलग मधेश देश बनेबाक अभियान में लागल डॉक्टर सी के राउत जनता के असंतुष्टि जन अभिमत से संबोधन कैल जेबा कहैत मूलधारक राजनीति में आयल अछि। शुक्र दिन सरकार संग 11 बुंदा के सहमति करैत डॉक्टर राउत मूलधार के राजनीति में प्रवेश केने छै। ओ आब नुका कऽ नहि आब खुला राजनीति में प्रवेश केने छै। कोनो समय मधेश देश बनेबाक अभियानक लेल स्वतंत्र मधेश गठबंधन बना कऽ सक्रिय बनल डॉक्टर राउत अपन सभक आंदोलन से अतुक अवस्था भयावह भ सकबाक प्रति अपना सदैव चिंतित रहल ओ घोषणा सभा में बतौलनि। तैं अपन सभक आंदोलन के शांतिपूर्ण अवतरण आवश्यक रहल आ ई बात अपना सब पहिनहि से महसूस करैत आबि रहल सेहो ओ सभा में बतौलनि।
राजनीतिक सहमति घोषणा संबोधन कार्यक्रम में ओ ई सहमति जनता के लिए खुशी के बात भेल सेहो बतौलन। अतबे ने ओ ई ऐतिहासिक सहमति के लिए प्रधानमंत्री के धन्यवाद समेत देलन। आजक यो दिन साच्चै नै निकै नै ऐतिहासिक रहेको छ। हामीले विगत केही वर्षदेखि देशमा जुन एउटा विकराल समस्याको रूपमा जुन मुद्दा उठिरहेको थियो, जसबाट राज्य पक्ष पनि उत्तिकै चिन्तित थिए र हामी पनि उत्तिकै चिन्तित थियौँ कि त्यसले कस्तो मोड लेला भविष्यमा भनेर, कसको नियन्त्रणमा रहला कि नरहला भनेर हामी पनि त्यतिकै चिन्तित थियौँ। जुन मुद्दाले देशका समस्त नागरिकलाई, समस्त जिम्मेवार नागरिकलाई चिन्तित बनाउँदै आएको थियो, त्यसले कस्तो भयावह रूप लेला भनेर हामी दिनरात चिन्ता गर्दै थियौँ, त्यसको आज बडो सहज रूपमा, बडो शान्तिपूर्ण रूपमा, बडो सुरक्षित रूपमा आज अवतरण यहाँ हुँदैछ। र त्यही भएर त्यो नेपालको समस्त जनताको लागि खुसीको कुरा हो, हामी सबै देशका नागरिकको लागि यो ऐतिहासिक। डाक्टर राउत यी सहमति के सकारात्मक रूपमा लैत आगा बढ सबसँग आग्रह समेत कैलन अछि। ओ समृद्ध देश बनावा दिस लाग सबसँग आग्रह कैलन, एकर लेल सभक साथ सहयोग आवश्यक रहल सेहो आवश्यकता महसूस कैलन। सकारात्मक कुराको लागि सहकार्य गर्नका लागि तयार छौँ। हामी एउटा समृद्ध देश बनाउनेतिर, विकसित देश बनाउनेतिर सबै जनताको सुख र सबैको साथको आवश्यकता छ र तपाईँहरू सबैले हामीलाई यस सकारात्मक अभियानमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूरा भरोसाका साथ। अपना कहियो प्रतिशोधक भावना नै राख्ने, लाठीचार्ज करावला प्रहरी के फूल दिने, अपना सब सदैत अहिंसात्मक आंदोलन कैने कहत आंदोलन में साथ देवला राज्य प्रहरी आ जनता के धन्यवाद समेत दिलन। अपन आंदोलन के लक विभिन्न किस्मक भ्रम सृजना करवा कार्य भेल, अय पर ओ दुख व्यक्त करत। ओ अपन सबक आंदोलन कोनो समुदाय के विरोध में नहीं भक अधिकारक लेल मात्र भेल सेहो बतौलन। ती पक्ष का जनता जल्ले हिंसा का साथ आंदोलन गर्न तयार तयार भइदिन्छन्, तिनीहरूको लागि पनि एउटा यो पाठ बनेर रहला जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी माथि राज्यद्वारा विभिन्न दमन भए तापनि हामी कहिले पनि प्रतिशोधको भावना आफ्नो मनमा पालेनौँ। मेरो खुट्टा भाँचिए पनि, हाम्रा कार्यकर्तामाथि दमन भए पनि हामीले त्यसको प्रत्युत्तरमा फुल आन्दोलन चलायौँ, मेरीगोल्ड मुभमेन्ट हामीले चलायौँ। लाठीचार्ज गर्ने प्रहरीहरूलाई हामीले चाहिँ सयपत्री फुल दिन थाल्यौँ, गुलाब फुल दिन थाल्यौँ र कतै न कतै उहाँहरूको पनि मनमा एउटा सद्भाव प्रकट भयो। त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेका छौँ, देखेका छौँ र त्यही कारणले हाम्रो पनि आन्दोलनमा धेरै हिंसा हुन सक्थ्यो। हामी अहिंसात्मकै भए पनि राज्यद्वारा अरू आन्दोलन जस्तै दमन हुन सक्थ्यो, तर हाम्रो आन्दोलनमा कतै प्रहरीबाट पनि गोली चलाउने कार्य भएन। त्यसको लागि राज्य र प्रहरी पनि धन्यवादको उत्तिकै पात्र हो। यो सम्बोधन क्रममा ओ पूर्व प्रधानमन्त्री सबके प्रशंसा समेत कैलन। ओ अपना सब शान्तिपूर्ण मार्गसँ कहियो विचलित नहि भेल, कियाकि अपना सब बुद्धक संतान छी सेहो बतौलन। 2069 साल जेठ 8 गते हामीले यही काठमाडौँमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थियौँ र यो आन्दोलन विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूको ज्यूहरूको कार्यकालबाट गुज्रियो र उहाँहरूले पनि यस शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कदर नै गर्नुभयो
उहाँहरूले पनि यस आन्दोलनको संवेदनालाई बुझिदिनुभयो। उहाँहरूले पनि कतै बलजफ्ती बल प्रयोग गर्नुभएन र त्यसबाट यो आन्दोलन जुन एउटा विस्फोट हुने कुनै पनि चरणमा विस्फोट हुने डर थियो, यसले एउटा नकारात्मक मोड लिने डर थियो, त्यसबाट हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूहरूले पनि जोगाउनुभयो र त्यही भएर यस अघिका प्रधानमन्त्री ज्यूहरू, माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूहरू, डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, श्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाज्यू, श्री शेरबहादुर देउवाज्यू र श्री पुष्पकमल दाहालज्यू पनि उत्तिकै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हामी बुद्धका सन्तान हौ र अहिंसा हाम्रो रगरगमा बसेको छ। जनता सम्पन्न छँदैछ या जनताले चाह्यो भने जे पनि उनीहरूले हासिल गर्न नै सक्छ, त्यसको लागि संविधानमा नै पृष्ठभूमि तयार गरेको छ। त्यसले वार्ता मार्फत पनि राज्यले प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएकै छ। अब त्यो जनमत प्रयोग गर्ने काम जनताको हो, त्यो जनमत प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकार हासिल गर्ने पालो जनताको हो। अब सबै अधिकार सबै शक्ति जनताको हातमा आएको छ, जनताको हातमा निहित रहेको छ र त्यही भएर अब जे हासिल गर्नु छ, जसो हासिल गर्नु छ, जस्तो व्यवस्था ल्याउनु छ, जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरून्, आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरून्, आफ्नो जनअभिमत प्रकट गरून् र उनीहरूले त्यो कुरा हासिल गरून्, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै हासिल हुन्छ र समस्त देशको विकास, हित, समृद्धि र सुखका लागि त्यो अब हासिल गर्ने बेला आएको छ। अतिबे नै डाक्टर सीके राउत आब हिंसात्मक आन्दोलन नै कर सेहो सबसँग आग्रह कयलनि। सम्बोधनक क्रममे ओ स्वतन्त्रताके व्याख्या सेहो कयलनि। ओ स्वतन्त्रताके महत्व कोन अवस्थामे रहल सेहो बात ओ बतौलनि। जेलमे रहल समयमे अपना स्वतन्त्रता की रहल से बात महसुस केने सेहो बतौलनि। के कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्छौ भन्ने कुरा त्यो स्वतन्त्रता हामीसँग नभएको बेलामा मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो पाँच महिनाको जेल बसाई एउटा निकै नै उपलब्धि रह्यो। यसले मलाई स्वतन्त्रता भनेको के हो, हामीले जुन स्वतन्त्रता अहिले पाएका छौँ त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी उपयोग गरेर समस्त जनताको सुख र समृद्धिका लागि हामी लाग्न सक्छौँ भन्ने मलाई ठुलो पाठ सिकाएको छ। त्यसका लागि म नियतिलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। भनिन्छ कुनै अपराधी यदि मुक्त रूपमा हिँडिरहेको छ भने त्यो प्रहरीको असफलता हो, तर कुनै निर्दोष व्यक्ति यदि जेलभित्र कोचियो त्यो एउटा न्याय व्यवस्थाको असफलता हो, त्यो सिङ्गो राज्यको असफलता हो। किनकि हामीले राज्य स्थापना गर्दाखेरि निर्दोष व्यक्तिलाई जेलभित्र कोच्नका लागि राज्यको स्थापना गरेका थिएनौँ। राज्य भनेको कुरा आफैमा पनि एउटा साधन मात्रै हो, साध्य होइन। चाहे त्यो दैविक व्युत्पत्तिको सिद्धान्तमा जानुस्, करारवादी सिद्धान्तमा जानुस्, उपयोगितावादी सिद्धान्तमा जानुस्, कुनै पनि सिद्धान्तले राज्य भन्ने कुरा आफैमा साध्य हो, त्यो फगत राज्य बनाउनेकै लागि राज्य बनाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ कदापि होइन। राज्यको स्थापना नै हाम्रो सुरक्षाको लागि भएको हो, हाम्रो सुख र समृद्धिको लागि हो, सबैको भलाइको लागि भयो र त्यही भएर हामीले चाहिँ जेलभित्रका कुराहरू गर्दा पनि, हुन त अब यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं आफै 14 वर्ष जेल बसेर आउनुभएको छ, उहाँलाई जेलको अनुभूतिहरू सुनाउनु भनेको एउटा सूर्यलाई दियो देखाउनु जस्तै हुनेछ। डाक्टर राउतक सम्बोधन बाद बाज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डाक्टर राउतक खुब प्रशंसा कयलनि। प्रशंसाके क्रममे ओ
डाक्टर राउत में पुष्प कमल दहाल जेहन नेतृत्व करबाक क्षमता अपना पौने सेहो बतौलनि। विशेष कर सी के राउत जी जसमा साधारण निर्णय क्षमता मैले देखे, मैले त्यस्तो निर्णय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जीमा देखे हो। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय एकता के पक्ष में आयल पर डॉक्टर सी के राउत के धन्यवाद समेत दिलन। ओ डॉक्टर राउत इंजीनियर आ वैज्ञानिक रहल कहित हुनक प्रशंसा जोर शोर से कलन। वाले बधाई भन्न चाहन्छु, वेल एजुकेटेड इंजीनियर साइंटिस्ट कता कता बात। तहिना घोषणा सभा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बौद्धिक व्यक्तित्व डॉक्टर राउत आब सही ट्रैक में आयल सेहो बतौलन। इंजीनियर साइंटिस्ट कता कता बाटो बिराउँदा बिराउँदै बिग्रिने हो कि मलाई पनि अलिक डर थियो, तर खुसी लाग्यो। टेक्नोक्राट मात्र होइन एउटा थिंकर पनि हो सिके राउत। प्रधानमंत्री ओली देशक अखंडता सर्वोपरि भेल सेहो बतौलनि। विगत समय में नुका कऽ या कही तऽ अर्धभूमिगत अवस्था में आंदोलन करैत आयल डॉक्टर सी के राउत 11 बुंदा के सहमति संगे खुला राजनीति में आयल अछि। हुनक मूल धारक राजनीति में आगमन के संगे मधेशक राजनीति में किछु नयापन देखेबाक निश्चित अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देशक राष्ट्रीय एकता में फूट आनवाक गतिविधि नहीं कर राष्ट्रीय जनता पार्टी के आग्रह कलन। सरकार आ डॉक्टर सी के राउत के नेतृत्व के स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच आई काठमांडू भेल 11 बंदा के सहमति घोषणा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय जनता पार्टी के सरकार के देने समर्थन फिरता लक देश में राजनीतिक अस्थिरता आन खोजने आरोप लगौलन। बिरालो रिसायो भने मान्छेलाई चितर्न मिल्दैन, कुटिहाल्छ, त्यस कारण गएर खाँबो चितोर्छ। अदालतले फैसला गर्यो, अब चिथोर्न सरकारतिर आयो। यो म कसैलाई पनि साथीहरूलाई आवेश उत्तेजनामा नआउन आग्रह गर्न चाहन्छु। आवेश उत्तेजनामा नआउँ र आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगरौँ। अनेकतिर अनेकता र फाटोतिर नजाउँ, असमझदारी बढाउनतिर नजाउँ। आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला मुद्दा र सङ्ख्या थपेर नजाउँ, फेरिस्त बनाएर नजाउँ। अब तराईको आज बिहान मात्रै म रेडियो सुन्दै थिएँ, पृथकतावादीलाई देश टुक्र्याउँछु भन्नलाई अदालतले छोड्ने, हामीलाई चाहिँ समाजतिर थुन्ने भनेर उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। अब त्यो पनि अहिलेबाट चाहिँ विस्तृत भयो। प्रधानमन्त्री ओली नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लुटेरा समूहक संज्ञा दिलन। देशमे लुट मचाइ रहल कहित प्रधानमन्त्री ओली चन्द नेतृत्वको नेकपाके अपन नाव लुटेरा समूह राख सेहो सुझाव दिलन। म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, उहाँहरूका पर्चा पनि म हेरिरहेको छु, बन्दुक गोली एसएमजी एलएमजी अनेकसँग मान्छे समातेको। ए जनतालाई दमन गर्न पाइन्छ, सरकारले के खोजिया यो सर्वसाधारणमाथि दमन गर्ने? खानतलासी गर्न पाइन्छ, बन्दुकभित्र राखेर बस्ने मान्छे लुटेर हिँड्ने चन्दाका नाउँमा, मान्छेको हत्या गरेर हिँड्ने, विस्फोट गराएर हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिने, कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिन बन्द गर,
लुटेरा समूह भन्ने नाम राख्यो। ओ सरकार देशक शांति सुरक्षा के लिए लूटपाट में संलग्न सब पर कार्रवाई करवाक चेतावनी सेहो देने छलथि। समर्थन फिरता लेने राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता लोकन अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़वाक चेतावनी दिलक। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता महंत ठाकुर राजेंद्र महतो लगायत नेता लोकन अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ अपन पार्टी सांसद रेशम चौधरी लगायत नेता कार्यकर्ता के जन्म कैद सजाए देव वाला अदालत के फैसला प्रति आपत्ति जनबत देशभर आंदोलन में जेबा चेतावनी दिलक। नेता ठाकुर सरकार संहिता के असफल बनेबाक षड्यंत्र कर कहत आक्रोश व्यक्त कलन। ओ संहिता नहीं रहला पर संविधान नहीं रहबाक दिस सरकार के सचेत करौलन। आई काठमांडू में राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी संघके पार्टी एकता कार्यक्रम में संबोधन करैत नेता ठाकुर सभक अधिकार के सुनिश्चित कर संविधान संशोधन के लिए कैल गेल बेर बेर आग्रह के सेहो सरकार व्यवस्था के कहत असंतुष्टि व्यक्त कलन। यो अहिले संघको रूप के छ, राज्यहरूको रूप के छ, नन फङ्सनेबल यस्तै अवस्थामा छ, काम गर्ने अवस्थामा छैन। शासकहरूलाई यो ध्यान छैन कि यदि संघ असफल भयो भने, फेडरलिजम रहेन, संघ रहेन भने त यो संविधान पनि खतम हुन्छ र संविधान खतम भयो भने संविधानिक फेल भयो भने त देशको अवस्था कस्तो। एउटा उत्कृष्ट संविधान भन्दै आएको यदि यसै अवस्थामा उसले जुन देशको समस्या छ, जुन देशको अगाडि प्रब्लमहरू छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन। पटक पटक भनिएको छ, शासकहरूद्वारा नै भनिएको छ कि शासकहरूद्वारा नै भनिएको छ कि सबैलाई समेटिएको छैन। दोसर नेता महतो अपन सभक अधिकार प्राप्ति के आंदोलन के शासन वर्ग दमन कर रहल कहत वही विरुद्ध आंदोलन करबाक चेतावनी दिलन। ओ अधिकार प्राप्ति के आंदोलन में आवश्य हो सब उपेक्षित समुदाय के आह्वान कलन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल आ राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी बीच एकता भेल सेहो घोषणा कयल गेल छल। दू पार्टी बीचक एकता से अधिकार प्राप्ति के अपन सभक आंदोलन के और ऊंचाई में पहुँचेबाक नेता महतो बतौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम, विश्राम बाद आई विभिन्न कार्यक्रम क के नारी दिवस मनाओल गया। महिला सुरक्षा के लिए जनकपुर धाम में सेहो एप्स आनबाक तैयारी। कंचनपुर में टिपर के ठप ठक्कर से एक बालक के मृत्यु। सुनसरी में जीपक ठक्कर से एक गोटे के जान गया। आ नेकपा अध्यक्ष आ प्रधानमंत्री ओली के तौर तरीका प्रति नेकपा के वरिष्ठ नेता नेपालक असंतुष्टि। ब्रेकवाद समाचार में स्वागत है। प्रदेश दुवक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत दैनिक दिनचर्या स्वस्थ बनाएब आवश्यक रहल बतौलन। पॉलिथीन प्रदूषण रहित झोड़ा आ बैग निर्माण करवाला एक उद्योग के आज जनकपुर धाम में समुद्घाटन करैत मुख्यमंत्री राउत दैनिक दिनचर्या स्वस्थकर बनाओ व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहल बतौलन। दिनचर्या को स्वस्थ करने के लिए हमें आज की आवश्यकता है कि हम लोग जो कपड़ा के झोला वो झोला जो मिट्टी में पड़ जाए, घुसड़ जाए,
कोई विदेश है तो उसको हम डराते फेंक दे तो वहीं वो समाप्त हो जाए, आज क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि स्वच्छता के अभियान में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रदेश सरकार आपको मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे अभियान चलाते हैं, जहाँ तो स्वच्छता अभियान के बात कहा जाए किया जाए तो हम लोग ऐसे सार्वजनिक जगह खास करके पोखरी अन्य जो सार्वजनिक जो स्थल है जिसमें मंदिर हो सकता है जो अन्य चीज हो सकता है वो कैसे हम लोग उसको सौंदर्यकरण कर सकते हैं, किसे अच्छा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राव तो दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते आयल सामग्री सब में कौन फायदा कारक आ कौन हानिकारक रहल बात बुझब जरूरी रहल सेहो बतौने छलथि। महिला हिंसा के रोकथामक लेल जनकपुर धाम में सेहो हेलो सीएम नामक मोबाइल एप्स संचालन में आब लगल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय आय 109 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में कहने कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव समाज में बढ़त महिला हिंसा न्यूनीकरण कर हेलो सीएम नामक मोबाइल एप्स लॉन्च करवाक जानकारी दिलन। मंत्री यादव कोनो महिला संकट में पड़ला पर अपन मोबाइल में हेलो सीएम नामक ऐप संचालन का मोबाइल 3 बेर हिलोला पर वही मोबाइलक लोकेशन समीपक प्रहरी चौकी में पहुँचवाक आ प्रहरी तुरंत घटनास्थल में पहुँच कर अपराध होब से जोगाव सकवाक बतौलन। कार्यक्रम में अधिवक्ता रेखा झा समाज में महिला के काजक मूल्यांकन कैल जेबाक आ हुनका सबके समान अधिकार जन विषय में प्रदेश सरकार से ध्यान देल जेबाक बतौलन। कार्यक्रम में धनुषा जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष रामदेव बनरोत, जिला महिला अधिकार समूह के अध्यक्ष उर्मिला यादव लगात विद्यार्थी सभक सहभागिता छल। महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण आ लैंगिक समानता, लैंगिक विभेद तथा हिंसा उन्मूलन आदि सवाल सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय सब रहित आयल। सर्वप्रथम 1902 फरवरी 1928 में नारी दिवस मनाओल गया छल। 1910 में महिला सबके मत राखबाक अधिकार सुनिश्चित करबाक उद्देश्य के संग अहिके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कैल गेल छल। अखन विश्व के सब देश में अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस प्रत्येक मार्च 8 में मनाओल जाय छे। एहि बीच नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि महिला के अधिकार तथा सम्मानक लेल नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। जनकपुर धाम में आए नेपाल महिला संघ धनुषा कहने 109 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में उपसभापति निधि महिला के राज्य के हरेक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कराब अपना सब लाग रहल कहत महिला के प्रतिनिधित्व के सवाल में कांग्रेस अग्रणी स्थान में रहल सेहो बतौलन। सरकार के काम छे ने अपराधी के पता लगाना है, ओकरा सजा देना है, वो दूसरे दूसरे काम में लागल रहे छे। केंद्र के ओली सरकार से वो दूसरे काम में लागल रहे छे। आज दू नंबर प्रदेश की अपना सब जो सरकार है मधेशवादी सरकार वो यहाँ के दूसरे दूसरे काम में लागल हत्यारा के पता लगावा के लिए, हत्यारा के सजा देवे के लिए,
पता लगा नहीं आ कानून बनावे काम नहीं लागे महिला सबके अधिकार दे वाला काम नहीं लागे पहले कई सब से नेपाली कांग्रेस के फिर सा अब अखिले सा सब कोई मिलकर घर घर में जेबे उपसभापति निधि नेपाल में जनता के अधिकारक लड़ाई में महिला के सहभागिता प्रभावकारी साबित भेल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता राम सरोज यादव समाज में महिला श्रमक मूल्यांकन नहीं भेल कहैत प्रदेश सरकार से आवश्यक कानून बनायब आवश्यक रहल बतौलनि। बीस पच्चीस वर्ष पहले अंतर से आगे बुझल अई देश में एक नेता था सिर्फ एक नेता था अठान गाची में कहलखिन वो पहाड़ी नेता कहलखिन दम जम को पार्टी बना दलित महिला जनजाति मधेसी को पार्टी बना अर्थात वही में महिला के अधिकार दलित जनजाति के अधिकार देव वाला दोसर पार्टी नहीं है महिला सब कहियो जे सबसे हमरा सबके अधिकार के लिए लड़े वाला पार्टी वही पार्टी में हम सब ओ महिला अधिकार तथा हुनक सभक सशक्तिकरणक लेल प्रदेश प्रहरी भर्ना में 50% महिला आरक्षण राखने सेहो बतौने छलथि थे। एहि बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी महिला विरुद्ध भ रहल सब किसिमक हिंसा अंतक लेल स्वैच्छिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम के आओर प्रभावकारी तरीका से आगा बढ़ायब जरूरी रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रपति भंडारी समाज में विद्यमान डायन छौपड़ी दहेज प्रथा लगात के समाज में अखनो जड़ गाड़ि के बैसल अंधविश्वास आ कुरूति अंतक लेल बनाओल गेल कानून प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कर सेहो सरकार के आग्रह कयलनि। 1 से 9 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आए महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय काठमांडू में कने कार्यक्रम में ओ बाल विवाह बहुविवाह अनमेल विवाह घरेलू हिंसा कार्यस्थल में महिला ऊपर भ रहा दुर्व्यवहार के घटना न्यूनीकरणक लेल संविधान स्पष्ट व्यवस्था कने कहित वही के प्रभावकारी कार्यान्वयन कैल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। सामाजिक कुरीति का रूप में रहकर हम समाज में बोक्सी छाउपड़ी जस्ता प्रथा अंधविश्वास को रूप में जरा गाड़े गई रह यहां प्रथा हमी जरदि समाज उखेले फाल्नु पर्ने अवस्था कानून र संविधान देखिदैन र त्यसलाई व्यवहारिक रूप में नहीं समाधान गर्नु पर्ने चेतना को माध्यम शिक्षा को माध्यम समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थमाया थापा महिला ऊपर भ रहा सब किसिमक हिंसा अंतक लेल संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार मिलकर अभियान संचालन कर रहा दावी कलन ओ महिला हिंसा अंतक लेल नेपालक संविधान उचित व्यवस्था कने कहित वही के प्रभावकारी कार्यान्वयन करत आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कलन। डायन छावपड़ी जेहन सामाजिक अंधविश्वास अंतक लेल सरकार सखबक प्रयास कर रहा सेहो मंत्री थापा के दावी है। महिला लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरी संवैधानिक रूप में महिला र पुरुष बीच हुने भेदभाव अन्त्य गरेको छ। यद्यपि सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा तथा प्रचलन को नाम में महिलाहरूले भोग्नु परेका हिंसाजन्य ज्यादतिहरूका अवशेषहरूलाई निर्मूल पारी राज्य का अवसरहरूमा अझैसम्म पनि महिलाहरूको पहुँच वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको छ। बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने मलमूत्र खुवाउने जस्ता जघन्य अपराध तथा निर्लज्ज कामहरू हाम्रो समाजमा भइरहेका छन्। यस्तै छाउपडीको नाममा कैयौँ महिला तथा किशोरीहरू हिंसाका शिकार हुनुको साथै ज्यान समेत गुमाउनु परेको स्थिति छ। मन्त्री थापा सरकार महिला उप भ रहल सब किसिमक विभेद अन्तक लेल महिला हिंसा विरुद्ध के राष्ट्रीय अभियान संचालन कर रहा सेहो स्मरण करौलनि अछि। आ फिर से व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद कंचनपुर में टिपर के ठक्कर से एक बालक मृत्यु
सुनसरी में दीपक ठाकर से एक गोटे जान गए। आ नेकपा अध्यक्ष आ प्रधानमंत्री केपी ओली के तौर तरीका प्रति नेकपा के वरिष्ठ नेता नेपालक असंतुष्टि। विश्रामबाद समाचार में स्वागत है। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 3 नौला खेत में आई टी पर ठक्कर दिला से 10 वर्षक बालक के मृत्यु भेल अछि। M1737 नंबर के टिपक ठगर देला से ओहिठामक विकास अड़ के घटनास्थल में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि टिपक सहित चालक देवकोट नगरपालिका 5 के 28 वर्षक राजेश थापा मगर के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। बालक के शव परीक्षणक लेल महाकाली अंचल अस्पताल में राखल गेल अछि। एम्हर सुनसरी के कोसी गाँव पालिका में जीप के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल। कोसी गाँव पालिका वार्ड नंबर 8 नेहरू पार्क में आई जीप बाबू आ बेटा सवार मोटरसाइकिल के ठक्कर दिलक। दुर्घटना में को 33P205 नंबर के मोटरसाइकिल के पाछा सवार सप्तकोशी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 फतेहपुर के 60 वर्षक अमर बहादुर थापा के मृत्यु भेल। चालक थापा के बेटा 38 वर्षक मोहन राज घायल भेल। मोटरसाइकिल के विपरीत दिशा से आबि रहल 2-5-7-1-1-6 नंबर के जीप ठक्कर देने छल। जीप चालक जिला रामेछाप दुरम्बा गाँव पालिका 7 थापा गाँव के 42 वर्षक राम तामांग जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के नियंत्रण में रहल। सुनसरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक बतौलन। कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार देपाल पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तौर तरीका प्रति असंतुष्टि व्यक्त कलन। वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष ओली प्रति संकेत करते पार्टी के विधि सम्मत तौर तरीका से आगा बढ़ावा नहीं खोजला से दू पार्टी बीचक सांगठनिक एकीकरण के काज अखन धरि तह लाग नहीं सकल दावी से कलन। ओ पूर्व MLA आ पूर्व माओवादी केन्द्र बीच कोनो समस्या नहीं रहलो पर पार्टी के विधि आ प्रक्रिया अनुसार आगा बढ़ावा नहीं चाहला से पार्टी के सांगठनिक एकीकरण के काज में विलम्ब भ रहल सेहो बतौलन। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन अखनो धरि नहीं छापल गेल पर सेहो आपत्ति जनौलन। वरिष्ठ नेता नेपाल अपना से बहुत बेर कहल गेलो पर पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन अखन धरि नहीं छपनाए विडम्बनापूर्ण भेल सेहो बतौलन। ओ बड़का पार्टी चलाव विधि आ प्रक्रिया चाहलो पर पार्टी नेतृत्व यस मैन के खोजी कला से संगठन एकीकरण के काज अखन धरि तह लाग नहीं सकल दावी कलन। पार्टी के विधि सम्मत तरीका से आगा बढ़ला पर दू पार्टी बीच सांगठनिक एकीकरण के काज एक महीना भीतर सम्पन्न हेबाक वरिष्ठ नेता नेपालक दावी अछि। मधेश में परोपकार आ समाज सेवा के लिए सहयोग करते आयल हेल्प मधेसी नामक संस्था जनकपुर धाम स्थित कबीर बाल आश्रम के 27,000 रुपया आर्थिक सहयोग कलक। प्रत्येक महीना 3,000 के दर से सहयोग करबाक हेल्प मधेसी कतार चैप्टर के घोषणा अनुसार बीतल 9 महीना के जमा 27,000 रुपया आय बुझाओल गेल। हेल्प मधेसी नेपाल चैप्टर के अध्यक्ष राम उद्गार यादव बतौलन। प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव डॉक्टर राम ज्ञान यादव साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्षि सहित हेल्प मधेसी के पदाधिकारी सब उपस्थिति में रकम हस्तांतरण कैल गेल। राष्ट्रपति विद्या भंडारी काठमांडू के भिरकुटी मंडप में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा तेसर प्रांगारिक कृषि मेला के उद्घाटन कलन। राष्ट्रपति भंडारी नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के आयोजन में शुरू भेल मेला के आय औपचारिक रूप में उद्घाटन कलन। कार्यक्रम के संबोधन करते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव देशक निर्यात व्यापार के बढ़ावा एहन मेला सब सहयोग पहुँचेबाक विश्वास व्यक्त कलन। प्रदर्शनी का संयोजक इसको संरक्षण करने इसको विकास करने एउटा चुनौती छ भने हामी निर्यात मूलक चीजहरुको लागि विश्वकै लगानीको आवश्यकता छ। अहिले उच्च प्रवृत्तिहरुको विकास भएको छ। कालसँग सुरु भेल 5 दिन धरि चलावला मेला में 205 स्टल राखल गेल छ। मेला में 50 कृषि संबंधी सामग्री के स्टल सब रहल छ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच 11 मुद्दा के सहमति। डॉक्टर सीके राउत आब मूलधारक राजनीति में। असंतुष्टि सब जन अभिमत मार्फत संबोधन कर सरकार आ गठबंधन सहमत। राउतक नेतृत्व क्षमता के प्रधानमंत्री से प्रशंसा।
राजपा देश में अस्थिरता आना खोज रहा प्रधानमंत्री के आरोप, विप्लव समूह के लुटेरा समूहक संज्ञा। अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़वा राजपा के चेतावनी, रेशम चौधरी के जन कैद दिल गेल पर आक्रोश। आई विभिन्न कार्यक्रम का नारी दिवस मनाओल गया, महिला सुरक्षा के लिए जनकपुर धाम में सेहो एप्स आनबाक तैयारी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब, नमस्कार।